कि 1 जनवरी 2025 ने रेलवे में कार्यभार ग्रहण किया, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और उसको न्यू पेंशन स्कीम जो एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, एक अलग तरह की पेंशन स्कीम है और उनके भविष्य को उसके साथ जोड़ने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। जब भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। साथियों, ये पेंशन का काम उस समय हुआ, 31 दिसंबर 2013 को 2003 को आदेश जारी किए, जब कोई एक आदमी भी नई पेंशन स्कीम में नहीं था, जो एक आदमी भी कहीं उसके तहत गवर्न नहीं होता था वो आदेश उस पर लागू नहीं होते थे। उसी समय आंदोलन किया होता, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2003 को जब आदेश हुए और 1 जनवरी से लागू होनी थी, एक भी आदमी एनपीएस में गवर्न नहीं होता था, नहीं होता था ना। अब अगर उस एनपीएस स्कीम के लिए कोई कहे कि नहीं साहब, जो एक आदमी गवर्न नहीं हो रहा और आप हड़ताल पर चले जाओ, काम बंद कर दो, क्या यह संभव था? संभव नहीं था। तो ये एक अवसर का लाभ लिया। हमारे बीच पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और डायनेमिक महाप्रबंधक श्रीमान गिरीश पिल्लई साहब आज हमारे बीच में, हम उनका ताली बजाकर हृदय से स्वागत करते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। और साथी रवि जायसवाल और इरशाद भाई से अनुरोध करूंगा कि महाप्रबंधक